तो स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बीसीए के लिए अपनी जो एलिमेंट्री फिजिक्स है उसमें मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। हमने पिछले वीडियोस में अपने मैथमेटिकल टूल्स में अपने स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, और ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल, सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अब हमें अपना जो फिजिक्स का टॉपिक है, जो अब जिसमें हमें उनको अप्लाई करना रहेगा आगे चल के, वो है हमारा सेंट्रल फोर्स। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल फोर्स के बारे में हम इससे पहले वीडियो में कुछ थोड़ा सा हमने उसमें ब्रीफली उसके बारे में समरी समझा था कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। एक ऐसा फोर्स होता है कि जब वो फोर्स एक्ट करता है तो किसी, देखिए फोर्स अगर एक्ट कर रहा है मतलब एक फोर्स का सोर्स होगा और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा। मान लीजिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है और इस पर अप्लाई कर रहा है, या मान लीजिए आप ये ए और बी, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में फोर्स लग रहा है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे ये जो फोर्स है इसके बीच में इनकी डिस्टेंस आर है, इनके बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है, हम मान लेते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो एफ है, एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, हम पढ़ चुके हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो फोर्स हमारा इसमें लग रहा है। अब ये सेंट्रल फोर्स हम इसको कब कहेंगे, क्या कंडीशन रहेगी इसको सेंट्रल फोर्स करने के लिए, तब रहेगी जब ये फोर्स हमेशा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इन दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलॉन्ग रहे। मतलब कि जैसे ये फोर्स यहाँ पे ए और बी के बीच में लग रहा है, अब अगर फोर्स का डायरेक्शन ए और बी की पोजीशन चाहे जो हो, उनके बीच में डिस्टेंस चाहे जो हो, वो फोर्स का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो हमेशा इस लाइन की तरफ होना चाहिए, ये इस लाइन की डायरेक्शन होना चाहिए जो उनके सेंटर्स को जोड़ती है। सेंटर्स को जोड़ने का मतलब, अभी हमने यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स माने हैं, मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ना होकर के दो प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है हम कहेंगे, तो पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है तो उसके बीच में जो प्लैनेट्स, नॉर्मल जनरल शेप क्या होता है प्लैनेट का, स्फेरिकल होता है। अब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पर फोर्स लगाएगा, या फिर एक सेलेस्टियल बॉडी आप कह लें, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, एक स्टार है, वो दूसरे प्लैनेट पे फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि इनका जो फोर्स लगेगा, जो सेंट्रल फोर्स होगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पे सेंट्रल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पोजिशन एंड देयर डिस्टेंसेस, मतलब कितना उनके बीच में डिस्टेंस है इस पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो लाइन ऑफ एक्शन हमेशा इन दोनों के जो सेंटर को ज्वाइन हो रही होगी लाइन, ये अगर पॉइंट हम ओ माने और इसको पी मान ले इन दोनों के सेंटर को, तो जो लाइन ऑफ फोर्स है जब हम इस प्लैनेट को सोर्स देंगे फोर्स का तो इधर से लगेगा, और अगर इस प्लैनेट को देखेंगे तो ये भी प्लैनेट इस पर फोर्स लगा रहा है। भाई फोर्स अगर एक प्लैनेट दूसरे पे लगा रहा है तो उसका एक रिएक्शन पेयर जो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि एक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्शन होगा, तो ये प्लैनेट फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इनके लाइन जो लाइन है इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है उसी के होगा। तो अगर इसको हम ऐसे एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन, व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ज्वाइनिंग द सेंटर्स, ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और वहां पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं उसके डिफरेंस के लिए, क्या कि जब फोर्स जो है वो उसका डायरेक्शन हमेशा उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ हो, तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे हम, एक सेंट्रल फोर्स। अब देखते हैं सेंट्रल फोर्स का, कि सेंट्रल फोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कहेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को। तो अगर मान लीजिए फोर्स है, एफ फोर्स है, और वो ए टू बी लग रहा है, एफ ए टू बी, ठीक है, ये फोर्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ आर और वेक्टर आर, आर का यूनिट वेक्टर। अब देखिए एफ आर और आर का यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है, एफ आर मतलब ये है, ये एफ आर जो होगा, ये देखो एफ और ए बी जो है ये क्या कर रहा है, टोटल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए से बी पर कितना फोर्स लग रहा है,
उसका टोटल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पार्ट ये वाला है, ये पार्ट यहां तक, केवल यहां तक का ये जो पार्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तो दूसरी क्वांटिटी है, ये मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं, ये जो बना है इसको हम बोलते हैं आर कैप, यानी यूनिट वेक्टर आर। क्या होता है यूनिट वेक्टर वो भी हम समझेंगे। ये क्या दिखाता है? ये हमारा क्या दिखाता है जो आर है? ये डायरेक्शन दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कौन सा फोर्स? एफ ए बी जो फोर्स है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन दिखाता है। तो एफ जो है, ये जो पूरा एफ का फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसको ऐसे लिखेंगे, ये इस तरह से, मतलब फोर्स जो है वो फोर्स एक होगा एफ आर। अच्छा आप देखिए यहाँ पे जो एफ आर लिखा है इसका क्या मतलब है? अभी हमने जो डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे, देखिए जैसे सपोज ऐसा लिखा था, हम यूज करते थे ये नोटेशन यूज करते थे, बराबर हमने यूज किया डिफरेंशिएशन में पढ़ने के लिए, एफ वाई इक्वल्स एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता था? एफ एक्स का मतलब ये है कि वाई जो है एक्स का फंक्शन है, मतलब कि एक्स पर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन किया गया है। एफ का मतलब क्या है? कि एक्स पर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन किया गया है, जो कि जब ऑपरेशन हो जाता है, मतलब जो जो वैल्यू हम उस पर हैं, उस पर जो भी मॉडिफिकेशन करना है हमें कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो वाई की वैल्यू होगी। तो अगर एफ ऑफ एक्स लिखा है मतलब एक्स पे कोई ऑपरेशन हो रहा है, मतलब एक्स का कोई फंक्शन है। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ आर लिखा है, एफ ऑफ आर, अब इसका क्या मतलब होगा? वही मतलब जो वहां पे है, जो मतलब वहां पे है, मतलब कि एक्स जो यहाँ पे जो फोर्स है, एफ जो दिख रहा है, ये फोर्स दिखा रहा है, मतलब ये फोर्स क्या है? आर का एक फंक्शन है। फंक्शन होने का मतलब क्या है? कि फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड, एफ आर क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड को ना। और एफ आर अगर लिखा है तो मतलब कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो उनके बीच की डिस्टेंस, आर क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस डिस्टेंस का एक फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि सेंट्रल फोर्स में जो फोर्स लगेगा वो डिस्टेंस का भी फंक्शन होगा। यहां से हमें समझ में आ रहा है क्या होगा? डिस्टेंस का फंक्शन होगा, मतलब कितना डिस्टेंस है दोनों बीच में, ये डिसाइड करेगा कि कितना फोर्स लग रहा है। कैसे होगा, क्या डिसाइड होगा, क्या रिलेशन होगा, आगे हम पढ़ेंगे अभी। अब दूसरा एक जो शायद आप इससे परिचित हो पहले, या हो सकता है आपके लिए नया चेहरा हो, क्या है ये यूनिट वेक्टर जो लिखा है, जैसे हम यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं आर कैप, ये आर कैप। अब देखिए वेक्टर स्केलर वाले चैप्टर में हम वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, यूनिट वेक्टर के बारे में वो इसीलिए रोका गया था कि यहाँ पे आपको और डिटेल में, जब आपके पास कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि कहाँ पे समझाया जा रहा है, इसको आपको और क्लियरली समझाया जाएगा। यहाँ पे समझ में ऐसे आना है कि आर कैप होता है, या कोई वेक्टर का कैप होता है, वैसे लिखते हैं आई कैप, या लिखते हैं जे कैप, या लिखते हैं के कैप, इसका मतलब क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर्स इन्हें कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो वन है। फोर्स का जैसे एक वेक्टर होती है, तो वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी मान लीजिए वी है, तो इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऐसे होगा, और उसका एक डायरेक्शन होगा, इसको ऐसे लिखेंगे हम, है ना। ये चीज जो दिखा रही है यहाँ पे, ये क्या दिखा रहा है? उसका मैग्नीट्यूड, जो ये मॉड का सिंबल, ये सिंबल, इसको मॉड का सिंबल कहते हैं, ये क्या दिखा रही है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये वी कैप जो है वो क्या दिखा रहा है? उसका डायरेक्शन। तो कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको कैसे दिखाएंगे? एक मैग्नीट्यूड होगा उसका, एक डायरेक्शन होगा। ऐसे ही कोई मैग्नीट्यूड, कोई आप एक जरा सोचिए कोई किसी एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जैसे मैं कहता हूँ अभी वी को यहाँ पे वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी बिल्कुल ही काम करेगा, क्योंकि वी एक वेलोसिटी के लिए सिंबल भी हम यूज करते हैं। पोजिशन के लिए, पोजिशन अगर किसी ऑब्जेक्ट डिफाइन करनी है, मान लीजिए पोजिशन हम पी से डिफाइन करते हैं, सपोज पी से, तो क्या होगा? पी पोजिशन जो है, अब इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डी है, और उसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन जो है वो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? पी कैप से। इसका मतलब क्या है कि डी जो है उसका मैग्नीट्यूड है, कि कितना उससे डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में है उस पॉइंट से। अगर ए पॉइंट का, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये, तो ए का
बी से कितना डिस्टेंस है, ये डी हो गया, यानी उसका मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में है बी के कंपैरिजन में ए, बी से रिलेटिव में, वो क्या हो गया पी कैप का। तो पी कैप क्या होता है, या कोई भी अगर वेक्टर का कैप है मतलब वो यूनिट वेक्टर है, यानी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो वन है। तो अगर मैग्नीट्यूड केवल वन बचा तो वन से किसी का मल्टीप्लीकेशन होता क्या होता है, वही क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी एक्स है और एक्स को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो यूनिट वेक्टर अगर है मतलब उसका, अगर हम कह रहे हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन है, मतलब उसमें क्या है प्योरली डायरेक्शन है, वो प्योरली डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इस तरह उसका रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट वेक्टर का, कैसे, इस तरह, डायरेक्शन इस तरह। अब देखिए अगर हम वी वेक्टर को लिखते हैं वी मॉड इंटू वी कैप, ठीक है, ये हम दिखा रहे हैं कि ये वेक्टर हमारा पूरा, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। तो अब जरा यहां से निकालिए कि यहां से वी कैप की वैल्यू क्या होगी। सिंपली हम लिख सकते हैं वी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वी वेक्टर, ठीक, मतलब एक वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाता है, यानी उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये। और यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे यूज किया है, क्या है, यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे यूज किया है, कैसे, ये देखिए आप, ये जो यहां पे एफ आर इंटू आर कैप है, आर कैप यहां पे क्या शो करेगा कि जो पोजीशन वेक्टर उसका आर है, मतलब इसके कंपैरिजन में, जिस फोर्स के कंपैरिजन में, इसके जिस बॉडी से हम उसका डायरेक्शन देख रहे हैं, यानी बॉडी बी का और ए के रेस्पेक्ट में, तो जो आर है वो क्या दिखाएगा वेक्टर, जो आर यूनिट वेक्टर है आर कैप, वो क्या दिखाएगा, आर जो वेक्टर है एक्चुअली में अपॉन यानी डिवाइडेड बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, मॉड क्या दिखाता है मैग्नीट्यूड, तो आर कैप क्या है उस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। और आर कैप यहां से आप समझिए कि आर कैप कैसे निकालेंगे, हम वेक्टर आर को वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आर कैप आ जाएगा। और एफ आर क्या है, मैग्नीट्यूड जो शो कर रहा है, जो फोर्स का एक्चुअल मैग्नीट्यूड है, जो कि फंक्शन है आर का, यानी डिस्टेंस जो है वहां से ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका फंक्शन है हमारा एफ। तो ये था इंट्रोडक्शन कि आपका एक सेंट्रल फोर्स क्या होता है। ये जो हमने लिखा है पूरा मैथमेटिकल उसका रिप्रेजेंटेशन है, मेन जो उसकी जो कहेंगे डेफिनेशन आप कह लीजिए, जो कहें कि उसका मेन क्रक्स क्या है, उसका मेन एकदम निचोड़ आप निकाले, वो यही है कि जब फोर्स जो है, जब फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ज्वाइन कर रहा है उस लाइन के डायरेक्शन में हो, तो वो क्या है सेंट्रल फोर्स। और ये हमेशा रहेगा, आप चाहे वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं, फोर्स अगर लग रहा है तो मोशन होगा होगा, अगर कोई फोर्स नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ मोशन हो रहा होगा, और अगर मोशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही होगी, पोजीशन चेंज हो रही है, फिर भी देखिए आप ये कहा गया कि सेंट्रल फोर्स है कोई फोर्स, मतलब पोजीशन तो चेंज हो रही है लेकिन फिर भी उनके बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो हमेशा उन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन ही है, ठीक। इसका एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो कि इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल अगर ढूंढ रहे हैं, क्या एग्जाम्पल होगा, सिंपल सा है, ये देखिए हमने क्या उस दिन जो हमने बेसिकली इसका एग्जाम्पल देखा था वो ये था कि एक ऑब्जेक्ट है, एक मतलब आप जान लीजिए हाथ में एक डोरी जो है वो पकड़ा है कोई, और उससे डोरी से लास्ट में एक बॉल अटैच्ड है, ठीक है, और ये बॉल को रोटेट कराया जा रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, क्या हो रहा है बॉल एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, और बेटर होगा अगर हम इसे एक शेप यूज करके बनाए सर्कल का, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये उसकी ऑर्बिट को शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है उसकी ऑर्बिट को, सेंटर ये होगा मतलब यहाँ पे उसने पकड़ रखा है, और यहाँ से ये जो धागा बना है वहां से बॉल इस सेंटर पे, जो पाथ है सेंटर से इतना डिस्टेंस पे, क्या डिस्टेंस है मान लीजिए हम डिस्टेंस डी मान लेते हैं, डी डिस्टेंस पे जो पॉइंट ओ है जहाँ पे उस धागे को पकड़ा गया है, जहाँ पे पकड़ा गया है वहां से बॉल का जो डिस्टेंस है वो डी है, और इसको मोशन बॉल कर रही है ऐसे, होगा ना एक वी वेलोसिटी से, हम कहेंगे एक वेलोसिटी वी से वो बराबर मोशन कर रही है चारों ओर, क्या होता है कि बॉल के एक धागे में एक पत्थर को बांध के ऐसे नचाते हैं, अब वो क्या है वो एक सेंट्रल फोर्स है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें फोर्स जो ओ जो पॉइंट है जहाँ पे हम पकड़े हैं वो फोर्स कहाँ से लग रहा है, कहाँ से, इन दोनों के बीच में लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है फोर्स का, ये डायरेक्शन है, और ये देखिए ये डायरेक्शन कौन सा है, इन दोनों के, अगर हम इसको माने ये एक बॉडी है ये एक बॉडी है तो दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलॉन्ग है। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ भी पहुँच जाए, जैसे यहाँ पे अगर मूव करके ऑब्जेक्ट यहाँ भी पहुँच जाए यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ पे बॉल है सपोज,
यहाँ पे भी जो लाइन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, यानी ये लाइन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में उन दोनों का जो सेंटर है वो जुड़ा है, मतलब जो लाइन उन दोनों के सेंटर को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है उसी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में उस फोर्स का डायरेक्शन है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल किसका है, एक सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल्स कहाँ होंगे, जैसे और एग्जाम्पल्स आप देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। क्यों, क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट जैसे ऐसे मोशन करता है, सर्कुलर मोशन है, या फिर सिंपली अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, अगर दो बड़े प्लैनेट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट आप जो कहते हैं ना कि बॉल को हम हवा में फेंकते हैं, उसके बाद फिर वो नीचे आती है। नीचे क्यों आती है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, अर्थ की ग्रेविटी लग रही होती है। अब देखिए, वो सर्कुलर मोशन तो नहीं हो रहा है, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ये अगर अर्थ है, यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है और ये बॉल यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में गिर रही है, वी वेलोसिटी सपोज गिर रही है, उसमें एक्सेलरेशन बराबर हो रहा होगा जी का, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा होगा। अब ये फोर्स, जब ये फोर्स इस पर लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है उसका जो इसके कंपेरिजन में, अर्थ के कंपेरिजन उसका ऑर्बिट क्या है, मतलब उसका जो ऑर्बिट नहीं, जो उसका पाथ कहेंगे, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन फिर भी जो आप ये देखिए, वही पॉइंट कि जो उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है। अर्थ का सेंटर अगर यहाँ माने, तो ये जो लाइन इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है उसी के अलॉन्ग है उसका फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज उसी के अलॉन्ग है। तो ये क्या है, ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, या अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हमेशा जो डायरेक्शन होता है उनके सेंटर्स के जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलॉन्ग ही होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। अब सेंट्रल फोर्स के हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पहले हम सेंट्रल फोर्स के कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। जैसे अभी हमने दो एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे एक ये वाला एग्जाम्पल है और एक ये वाला एग्जाम्पल है। इसमें बॉल एक हम पकड़े हैं, वो रोटेट करा रहे हैं, और यहाँ पे एक बॉल है जो नीचे गिर रही है। अब ये ही दो अलग अलग जो टाइप्स हैं, जो एक क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, कौन से, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मोशन। मतलब कि जो हमारा फोर्स है, अगर फोर्स लग रहा है तो मोशन होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर कोई नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, नेट फोर्स उस पर जीरो नहीं है, तो उसमें मोशन हो रहा होगा। तो अगर ये मोशन जो है बाउंडेड है पर्टिकुलर रीजन में, ये इस रीजन के बाहर नहीं जाएगा, जैसे इस एग्जाम्पल में, या फिर जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, सन कह रहा हूँ वो एग्जाम्पल में, या इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं न्यूक्लियस में, उनका रीजन एक बाउंडेड रीजन है, मतलब उस रीजन से बाहर वो नहीं जाएंगे, तो वो किस टाइप का मोशन हो गया, बाउंडेड मोशन हो गया। सेंट्रल फोर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन वो बाउंडेड वे में हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको अभी देखें इस डायरेक्शन में, ये जो फोर्स लग रहा है इसका बाउंड है, यहाँ से तो बाउंड है, यहाँ पे आएगा, इसके सर्फेस पे आके रुक जाएगा, ऊपर जाने का कोई बाउंड है नहीं है, इन्फिनिटी तक आप उसको भेज सकते हैं। जो सैटेलाइट्स हैं जो मोशन कर रही हैं वो बाउंडेड में है, सैटेलाइट जो मोशन कर रही हैं बाउंडेड में है, लेकिन उन पे जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका जो रीजन है, मतलब कितना डिस्टेंस पे जा रहा है, वो बाउंड है उसका कोई, वो तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। आप कोई ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से आप इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे, फिर भी वहाँ पे बाउंडेड नहीं होगा, वो इन्फिनिटी तक फोर्स लगता ही जाएगा। तो जब रीजन में बाउंडेड हो तो उसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड मोशन, और जब वो रीजन में बाउंडेड ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड मोशन, ठीक है। या फिर और एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर कहीं पे जो हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कोलाइड हुआ, ठीक, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा पार्टिकल था इस डायरेक्शन में आया, एक दूसरे से कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद फिर आगे बाहर निकलेंगे, अब वो जो मोशन हुआ फोर्स तो लगा ना, और किस डायरेक्शन में लगा, अब फोर्स इन पे जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा उनके लाइन जो है जो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं उसी डायरेक्शन, मतलब सेंटर फोर्स रहेगा। अब इनका कोई ये है कि टकराने के बाद, मान लीजिए यहाँ पे आए, यहाँ से क्या हुआ कि टकरा गए आपस में टकराने के बाद बाहर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से बाहर निकल गए। अब बाहर निकलते जाएंगे, कोई बाउंड है कि कहाँ तक जाएंगे, जब तक उनके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो इजिली गो कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो वो भी क्या है, एक अनबाउंडेड मोशन का टाइप, ठीक। तो दो टाइप होंगे, कौन कौन से टाइप्स होंगे यहाँ पे, टाइप्स कौन कौन से होंगे, बाउंडेड और अनबाउंडेड,
बाउंडेड और अनबाउंडेड मोशन, मोशन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी अनबाउंडेड मोशन, ठीक, ये टाइप्स का हो गया। अब करते हैं, अब देखिए सेंट्रल मोशन है, सेंट्रल फोर्स है वहाँ पे लग रहा है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। मतलब अगर हम किसी फोर्स को, हमें किसी चीज़ को अगर स्टडी करना है तो उसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर ही तो स्टडी करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, और उस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उसको पहचान भी सकते हैं कि ये सेंट्रल कोई पर्टिकुलर फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है कि नहीं है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम सर्च करेंगे कि क्या इस, अगर जैसे आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट आपको दे दिया ऐसे शेप का, सपोज मैंने पूछा कि क्या आइडेंटिफाई कीजिए क्या एक लीव है कि नहीं, एक लीव है कि नहीं, एक पत्ती है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ प्रॉपर्टीज ढूंढेंगे जो आपको पता है कि हाँ पत्ती की ये प्रॉपर्टीज होती है, कि एक अगर लीव्स हैं आपके पास या पत्तियां हैं, एक पत्ती है एक लीफ है, उसकी आप पता है कि वो मोस्ट प्रोबेबली वो ग्रीन कलर में होगी, कुछ ऐसा शेप होगा उसका, बीच में वेन्स होंगी, और इन प्रॉपर्टीज को आप जैसे ही इसमें सर्च करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा पत्ती है कि नहीं है। यहाँ पे तो बोर्ड पे तो नहीं दिख रहा, यहाँ नॉर्मल आप पत्ती लेंगे, आप जैसे इन प्रॉपर्टीज को उसमें देखेंगे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये पत्ती है या नहीं है। तो उसी तरह अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी एंटिटी को, कि ये वो कैटेगरी में आती है कि नहीं आती है, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के सेट्स होते हैं जो हमें पता होते हैं, हम कहीं पर स्टोर करके रखे हो, लिख के रखे होते हैं, हम उनको सर्च करते हैं कि क्या वो प्रॉपर्टीज़ इसमें है कि नहीं है। तो उसी तरह अगर हमें किसी फोर्स को जानना है कि ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को सर्च करेंगे। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि वो प्रॉपर्टीज़ अगर उस फोर्स को फॉलो करती हैं तो क्लियर हो जाएगा कि वो एक सेंट्रल मोशन है, यानी सेंट्रल मोशन जो मोशन हो रहा है वो एक सेंट्रल फोर्स के अंडर में हो रहा है। तो सबसे पहला आप ये जान लीजिए जो एक जनरल प्रॉपर्टी होगी सेंट्रल मोशन मोशन की, वो सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज़, पहली तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव नेचर, इसका भाई मतलब क्या है कंजर्वेटिव इन नेचर फोर्स, यहां पे बेटर होगा अगर हम लिखें सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है उसका जो वर्कडन है कंजर्वेटिव, अगर आप कोई भी कहे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है उसका मतलब क्या है, एक वर्कडन एक क्वांटिटी होती है कि एक मेजरमेंट होता है एक टाइप का कि किसी फोर्स से कितना वर्क हुआ, मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम कहेंगे हमने कुछ वर्क किया, कब किया, जब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा हो, वर्कडन को W से रिप्रेजेंट करेंगे, जब उस पर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा हो और वो कुछ डिस्टेंस मूव करे, और ये फोर्स और डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो उसमें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर के डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं, जब उनको प्रोडक्ट हमको मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक डॉट एक क्रॉस, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानिए कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट दो वैक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वान्टिटी आती है, मतलब वैक्टर खत्म हो जाता है एक स्केलर क्वान्टिटी जनरेट होती है उनके प्रोडक्ट से, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा भाई क्या है, थीटा क्या है, उन दोनों के बीच में जो एंगल लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक, अब भी अगर इसमें नॉर्मली ऑब्जेक्ट रखा है तो इसमें मोशन किस डायरेक्शन में होगा, मोशन ऐसे होगा, ठीक, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें वो भी इस डायरेक्शन में हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अब देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और दो लाइन्स के बीच में एंगल आप बनता है कोई ना कोई, एक क्या एंगल इन दोनों के बीच में, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें ये लाइन को तो ऐसे आगे जाएगी, इनके बीच में क्या एंगल है, जीरो डिग्री, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, थीटा की, जहां क्या आएगा, जीरो डिग्री। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे रखा है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है सपोज, और इस पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक, इस पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, और एक फोर्स इस पर कोई इस डायरेक्शन में भी लगा रहा है बराबर नीचे से, तो इसका मोशन कैसे होगा, ओवरऑल इसका मोशन ऐसे होगा,
इस डायरेक्शन में, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो बॉल है कुछ डायरेक्शन, कुछ डिस्टेंस इधर मूव करेगी, कुछ डिस्टेंस इधर भी मूव करेगी, और उसका जो ओवरऑल उसका मूवमेंट हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखिए फोर्स को हमारा डायरेक्शन तो ये है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, और अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हो गया, अब इनके बीच में देखिए क्या एंगल है, ये इनके बीच में 90 प्लस कुछ एंगल है, 120 के आसपास होना चाहिए इसको, तो ये एंगल जो है अब इनके बीच में देखिए एंगल 0 डिग्री नहीं है, 120 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हमारा थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो भी होगा 120 के आसपास, मुझे लगता है 120 के आसपास का हो जाएगा। और अगर हम इसको और प्रिसाइजली देखना चाहें, देखिए ये फोर्स 90 डिग्री पे है, ये फोर्स 90 डिग्री पे है, तो दोनों का छोड़िए उसे, आगे का बात है, वो आगे हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये समझिए कि दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, क्या उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और कॉस ऑफ एंगल। और ये देखिए एक तरीका, मैं आपको एक नोटेशन बताऊँ जो जनरली फॉलो होता है, क्या नोटेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ इंटू डी का जो हमने जब उसका मैग्नीट्यूड लिखा है तो हमने इस तरह से लिखा है, ये तरीका, जैसे हम अगर फोर्स मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी है एफ जो है, यानी फोर्स जो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है एफ, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसका लिखने का एक और तरीका है, ये इक्वल टू किसके है एफ, आप सीधा लीजिए ऊपर जो एरो होती है, एरो क्या दिखाती है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप ऊपर से एरो हटा दीजिए, उसका मतलब क्या होगा, क्या दिखाएगा यहाँ पे कि ये उसका मैग्नीट्यूड है केवल, यहाँ से वेक्टर वाला पार्ट जो था, यानी एरो जो वेक्टर दिखा रहा था, यानी उसका डायरेक्शन वाला पार्ट वो हटाया गया है, केवल मैग्नीट्यूड वाला पार्ट इसमें छोड़ा गया है, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो अगर हम ऐसे वर्क डन लिखें सिंपली, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी, और यहाँ पे डॉट मैं नहीं लगाऊँ, डॉट अगर लगा भी है तो उससे कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्केलर्स हैं तो उनमें डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, एफ डी कॉस थीटा, ये है हमारा वर्क डन का। तो वर्क डन जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, अब कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होगा, कंजर्वेटिव अगर है फोर्स तो उसका मतलब ये होगा कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्या मतलब है इसका ये भी समझते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए, और ये ऑब्जेक्ट जो बी है उस पर एक फोर्स लगा रहा है, जो कहेंगे हम कि यहाँ पे अगर हम मान के चले ये सेंट्रल फोर्स है, और अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव हुआ इसका मतलब ये है, अब मान लीजिए सेंट्रल फोर्स ये नहीं है फिलहाल हम माने कि ये फोर्स लगा रहा है ए से बी पे, फोर्स लग रहा है और बी कोई पर्टिकुलर पाथ फॉलो करके आ रहा है, बी मान लीजिए ऐसे ये पाथ ऐसे फॉलो कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है ए के पास में आ रहा है, ठीक है, या कहीं पे और भी जा रहा है, बी जो है एक पोजिशन से उठ के कहीं पे जा रहा है, मतलब अभी पोजिशन ये थी, यहाँ से ए को मैं हटाता हूँ, फिलहाल ए को यहाँ से हटाते हैं, मान लीजिए ए जो है वो कहीं और है, ए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ से उस पर फोर्स लगा रहा था, उसने कुछ पाथ फॉलो किया, नहीं पता क्या फॉलो किया, और यहाँ पे आके पहुँच गया, यानी बी डैश इसको हम कह देते हैं, बी डैश का मतलब बस यही है कि वो पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ गया है। अब देखिए ये क्या ऐसे पाथ फॉलो करके आया है, और फोर्स कौन लगा रहा है, ए ही लगा रहा है, किस तरह लगा रहा है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ऐसा किस तरह फोर्स लगाएगा कि ऐसे कुछ मोशन हो, वो हम एग्जाम्पल की तरफ यहाँ ले रहे हैं कि इसमें जो पाथ है वो कोई भी एक रैंडम पाथ हमने बना दिया है, लेकिन जो वर्क डन होगा टोटल वो क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, ये होता है ना, और डी क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, और डिस्टेंस कवर किया तो चूंकि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वाला डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में नहीं देखेगी, डिस्प्लेसमेंट क्या देगी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये है इनिशियल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये इसीलिए कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब देखिए अब ये पाथ फॉलो करके आया, एक दूसरा सिनेरियो सोचिए जिसमें वही ए फोर्स लगा रहा है, क्या हो रहा है, ए जो है वो फोर्स लगा रहा है और बी मोशन कर रहा है, अब की ये पाथ फॉलो करके आया, मैं कोई रैंडम पाथ ही बना रहा हूं, अब की ये पाथ फॉलो करके आया, बेटर होगा मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊं, अब की ये पाथ फॉलो करके आया, सपोज पहले ब्लैक से आ रहा था, अब ब्लू वाले पाथ से आया है, अब भी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वैल्यू ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा, यही डिस्प्लेसमेंट इसका वही होगा कॉन्स्टेंट, मतलब कि जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस पर वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
और जब डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या था हमारा? एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। भाई बॉडी जो फोर्स लगा रही है तो यही है, मतलब फोर्स कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट है, तो उसका मतलब क्या हो? डिस्प्लेसमेंट भी, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कॉन्स्टेंट ही होगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में बार बार हो रहा है। तो वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसे हम फोर्स को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक सेंट्रल फोर्स जो होता है चूंकि एक स्ट्रेट लाइन में ही काम करता है तो यहाँ पे कोई और पाथ तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर पाथ कोई है, कोई और भी फोर्स लग रहा है उस पर, तो वर्क डन जो होगा वो उस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट पर सीधा डिपेंड करेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? यही कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे आते हैं हम अपनी पिछली स्लाइड में, जहां पे हमने वर्क डन के बारे में लिखा था। इज अ कंजर्वेटिव नेचर, इसका मतलब क्या है? इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखते हैं। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब है कि वर्क डन बाई सेंट्रल फोर्स, वर्क डन बाई सेंट्रल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यानी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंडेंट है? द पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक, तो सेंट्रल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है, मतलब जो वर्क डन होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता है कि किस पाथ को फॉलो किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहला प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी हमारा ये था जो हमने डिस्कस किया अभी। दूसरा एक और प्रॉपर्टी, मतलब जो फोर्स होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो ओवरऑल मोशन होता है पार्टिकल का, मतलब जो पार्टिकल एक जो पार्टिकल है दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है, वो ओवरऑल जो मोशन होगा वो हमेशा एक प्लेन में होगा। मतलब क्या है इसका? कि मान लीजिए मैं कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ए क्या है? एक ऑब्जेक्ट जो है ये एक पॉइंट है ए, और ये बी पे फोर्स लगा रहा है बी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी पाथ फॉलो कर रहा है, मान लीजिए कोई पाथ फॉलो कर रहा है, मैं यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ लूंगा। सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है? वही कि जो स्ट्रिंग में बना हुआ है, धागे से बना हुआ है, और उसको हम रोटेट कर रहे हैं। वहाँ पे आप देखिए उस एग्जांपल को लेकर देख रहे हैं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले हमको एक सर्कुलर पाथ बना लेना पड़ेगा। सर्कुलर पाथ बना लेते हैं ये। ठीक, अब जो फोर्स है वो कह रहे हैं हम कि फोर्स की वजह से जो मोशन होगा वो एक सर्कुलर, वो एक प्लेन में होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे बॉल है, उसके बीच में फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस डी है, और फोर्स लग रहा है तो उसमें मोशन हो रहा है, ये ऐसे बॉडी जो बॉल है ये ऐसे मोशन कर रही है वी वेलोसिटी से, ऐसे डायरेक्शन में, मान लीजिए एंटी क्लॉक वाइज काउंटर क्लॉक वाइज मोशन कर रही है। तो यहाँ पर जो मोशन होगा हमेशा एक प्लेन में होगा, मतलब कि वो जो मोशन होगा एक एक्स वाई में या वाई जेड में या जेड एक्स में, आप जो भी लीजिए, वो प्लेन में कन्फाइंड होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभी मोशन ऐसे हो रहा है और अगली बार मोशन ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो प्लेन फॉलो कर रहा है, अगर ये प्लेन है, ये वर्टिकल वाला प्लेन है, तो इसी में होगा। ऐसा नहीं कि एक मोशन एक बार एक ये चक्कर जो लगाया एक वर्टिकल प्लेन में लगाया, फिर उसके बाद थोड़ा तिरछा होकर लगाया, फिर हॉरिजॉन्टल में लगाया, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उसी प्लेन में होगा। मतलब मोशन में ऐसे डायरेक्शन तो होगी, उस प्लेन के बीच में डायरेक्शन होगी, लेकिन प्लेन से बाहर की डायरेक्शन नहीं होगी। मतलब कि इसका जो, इसका एक और मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? कि जो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या मतलब है? कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका जो डायरेक्शन है, मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम में चेंज होने का मतलब क्या हुआ? या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो, या डायरेक्शन में चेंज हो, या दोनों में चेंज हो, हम कह रहे हैं मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है? कि मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे मेजर करते हैं हम? जैसे मान लीजिए प्लेन है हमारा, और प्लेन से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन, ये रूल होता है ना कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो उस डायरेक्शन में आप कर्व अपने फिंगर्स को रखिए और थंब को ऐसे बाहर निकालिए, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा उस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। मोशन किस किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज। तो फिंगर्स को हम ऐसे रखते हैं इस डायरेक्शन में, और हमारा थंब अब किस डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहा है? इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, बाहर की डायरेक्शन में। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन अभी ये है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा।
इससे क्या मतलब होता है कि क्यों, क्योंकि जो मोशन है वो हमेशा प्लेन में ही होगा, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टी है? सेंट्रल फोर्स की। दूसरी जो है, अगली प्रॉपर्टी, वही हमने जो अभी डिस्कस किया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम क्या, जो वही मैग्नीट्यूड किसका, एंगुलर मोमेंटम क्या था, मोमेंटम क्या था एक ऑब्जेक्ट का, एम इंटू वी। ठीक, ये मोशन अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम मान लीजिए पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यहाँ पे, जो ये लीनियर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम किस केस में होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो, जब एक सर्कल में फोर मोशन उसमें लग रहा हो, जो मोशन है यानी फोर्स है उसकी वजह से सर्कुलर मोशन है, तो उसके मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम करके हम करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मतलब मेजरमेंट कैसे होता है, एम इंटू वी क्रॉस आर। अब देखिए वी क्रॉस आर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास टाइम्स एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या, मतलब टोटल वैल्यू कितनी होगी, मास टाइम्स वी और आर। वी और आर क्या है, वी तो ये हो गया हमारा, वी हमारा ये हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं, वी हमारा ये हो गया, आर क्या है यहाँ पे डी की जगह पे, जिसको हमने डी लिखा है यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे डी लिखा है वही है हमारा आर। यहाँ पे यूज करते हैं ऐसे, और यही हमारा आर। आर क्या है, आर यहाँ पे केवल डिस्टेंस को दिखा रहा है, लेकिन डिस्टेंस कैसे, वो उसके जो उसकी यहाँ से पोजीशन है उस पोजीशन वेक्टर को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, उस पोजीशन वेक्टर को दिखा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं आपस में। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस बॉल का वो क्या होगा, ये होगा एम इंटू वी क्रॉस आर। और वी क्रॉस आर, अब वही जो अभी पिछली बार हमने क्या दिखाया, वर्क डन के लिए, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी कैसे आई, और स्केलर क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वेक्टर्स को, इसे याद आया, वर्क डन क्या होता था, क्या होता था, वर्क डन हमारा होता है एफ डॉट डी। एफ और डी क्या होते थे हमारे, इसको एफ और डी हमारे क्या होते थे, दो वेक्टर्स होते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, जो मैंने अभी बात की थी ना वेक्टर प्रोडक्ट्स की। एक नई स्लाइड में इसको मैं डिटेल में ही देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट्स। इसको थोड़ा बेटर होगा अगर हम ये लिखें, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये क्या है, दो, इसका दो टाइप होगा, कौन कौन सा, एक स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए मैं उसको वेक्टर प्रोडक्ट वहां से हटाया था, क्योंकि ये दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है इसको हम और क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट ब्रैकेट में डॉट लिख देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट इसको ये भी बोलते हैं, कॉमनली मोस्ट कॉमनली यही बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा क्या है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर और वेक्टर क्यों बोलते हैं यही भी बता रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस, सी आर ओ एस एस, क्रॉस प्रोडक्ट। ये जनरल है, इसको आप माइंड में बैठा लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जनरल क्लासिफिकेशन है वेक्टर्स का। ये इसको, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और स्केलर और वेक्टर क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का जो फाइनल वैल्यू होती है, मतलब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो हमारा मैग्नीट्यूड आता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या, अगर यहाँ पे मैं दूसरे कलर से इसको लिखना चाहूँगा, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। और यहां पे क्या है, यहां पे जो रिजल्टेंट है बस उसी का थोड़ा अपोजिट, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे स्केलर था, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम किसी दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे
तो हमको क्या मिलेगा फाइनल में, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और वहीं अगर उन किसी दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें फाइनल में जो मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो इसी वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर होता है। और इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है, जो इसका फाइनल जो आता है वैल्यू, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट को डॉट्स से दिखाते हैं, मतलब अगर तो एक फोर्स है यहाँ पे, एक फोर्स जो है उसको अगर हम ऐसे दिखाते हैं डॉट से, अगर इसको है कैसे दिखाते हैं वेक्टर वन, मैं इसको ऐसे वेक्टर वन को ऐसे लिखता हूँ डॉट वेक्टर टू, ठीक ऐसे लिखते हैं इसको। और इसमें अगर है वही दो वेक्टर्स इसमें हैं, इसमें कैसे दिखाते हैं वेक्टर वन क्रॉस वेक्टर टू, ये क्रॉस का सिंबल, ये होता है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स का, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स का, मतलब दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो वर्क डन हमारा था वो एक स्केलर प्रोडक्ट था, मतलब वो डॉट प्रोडक्ट था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स का। और यहाँ पे लेकिन जो है, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम एक क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, इसका जो वेलोसिटी है और जो पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों का, वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर जो है, इन दोनों का क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है। और उस क्रॉस प्रोडक्ट को इस स्केलर क्वांटिटी एम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये है ना कि अगर कोई क्वांटिटी एम है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे, यहाँ पे मान ली क्वांटिटी कोई है पी, ठीक है, ये पी कोई क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो इसको अगर आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल एक नंबर की तरह मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप डॉट और क्रॉस आपको नहीं देखना है, जब स्केलर से मल्टीप्लाई होता है किसी स्केलर क्वांटिटी से तो एक एज अ नंबर मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनका जो वैल्यू आया वो कुछ आया, मान लीजिए हम कहते हैं क्यू इसको आया, तो क्यू से ये एज अ नंबर, इसका मास मान लीजिए 2 किलो है तो 2 क्यू आ जाएगा, 3 क्यू आ जाएगा, इसको और कुछ मतलब नहीं कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज इन सबके इंडिपेंडेंट होती हैं, इन सबसे फ्री होती हैं, उनको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी और रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट है और उसको मास से मल्टीप्लाई करके आए, मतलब वेलोसिटी और रेडियस का, वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो भाई ये तो हुआ, अब इस एंगुलर मोमेंटम से जो आएगा, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था हमारा, अगर हम लिखते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए और बी वेक्टर्स हैं, इससे क्या आता है, हाँ इसको उस स्लाइड में लिखना ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पे कि आपको और जनरल वैल्यू मिल जाए, इस स्लाइड में लिखना ज़्यादा सही रहेगा, क्या उसी कलर से लिखते हैं कि, और ये जो यहाँ पे वी वन डॉट वी टू लिखा है हमने, अगर लिखते हैं वी वन वैक्टर डॉट वी टू वैक्टर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, वी वन वैक्टर इंटू मतलब इंटू वी टू वैक्टर, यहाँ पे देखिए मैंने वो क्या एरोज हटा दी, वहाँ पे वो मैग्नीट्यूड शो करने लगा, इंटू कॉस थीटा, बस वी वन इंटू वी टू इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब थीटा का जो उसके बीच में, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये स्केलर प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट होता है, मतलब ऐसे डॉट प्रोडक्ट को आप ऐसे एक्सपेंड करते हैं। और वहीं पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, वी वन यानी वी वन का मैग्नीट्यूड इंटू वी टू का मैग्नीट्यूड इंटू वी टू का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, वहाँ पे कॉस था यहाँ पे साइन थीटा, अलॉन्ग एक इसके साथ में एक चीज़ और रहती है, क्या आर कैप, आर कैप वो टोपी वाला, टोपी यहाँ कैप बोलते हैं इसको, कहीं कहीं हेड भी से आप बोलते हैं। तो ये जो कैप होता है ये क्या दिखा रहा है, आर कैप क्या दिखा रहा है, एक यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या दिखा रहा है, ये पूरी जो क्वांटिटी है आपकी, ये जो पूरी आपकी ये क्वांटिटी है यहाँ से यहाँ तक में, ये पूरी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तभी क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो फाइनल जो निकल के आया ये तो उसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। ये जो ये वाला है ये पार्ट है वी वन वी टू साइन थीटा, वी वन वी टू साइन थीटा, ये क्या शो करेगा, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड शो करेगा। और जो ये पार्ट है वो क्या शो करेगा, उसका डायरेक्शन शो करेगा, ठीक। तो ये था स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इस स्लाइड में जो हम देख रहे थे कि इसको हम डिलीट करते हैं, कोई काम नहीं है। तो जो स्केलर इसका वेक्टर प्रोडक्ट है वी क्रॉस आर का, उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस प्लेन से बाहर होगा, जिसको हमने ये तरीका जैसे बताया राइट हैंड में कि आप ये डायरेक्शन लीजिए जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और जो थंब का होगा, जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो होगा उसके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। तो ये प्लेन जो होगा
वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस पर। क्या क्या रहता है कि ये जो रहता है ये क्वांटिटी ये कंजर्व रहती है, मतलब कि इसमें कोई नेट चेंज नहीं आने वाला है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका डायरेक्शन भी चेंज आएगा। तो ये देखिए फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको भी थोड़ा दिखाता है कि वो क्या कहता है कि एक ही प्लेन में रहेगा, मतलब उसका जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है उसका भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है इसको लिखा है क्या हमने, नहीं इसको मैं लिख देता हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नंबर टू एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक, उसका मतलब यही है कि जो L है यानी m into v cross r वो कंजर्व रहता है, यानी उसमें कोई अंतर हमारे में नहीं आता है। एक यहां पे थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा मैं, यहां पे जो हमने लिखा है इसका प्रोडक्ट ये v cross r ना हो करके ये क्या होता है यहां पे जैसे ये v क्रॉस r नहीं होता, ये क्या होता है r क्रॉस v, और दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि v क्रॉस r जो होता है वो r क्रॉस v का उल्टा होता है, मतलब v क्रॉस r जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे, हाँ एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे एक चार्ट जैसा बन जाएगा जिसमें आपकी सारी प्रॉपर्टीज समराइज जानी जो होंगी समराइज हो जाएंगे। इसको आप ऐसे चार्ट जैसा बना सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, यानी वेक्टर ये इक्वल टू होता है v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर, यानी क्या इसे क्या बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर a इंटू ए डॉट बी है तो b डॉट ए बराबर होंगे, a डॉट बी और b डॉट ए बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे इस वाले वैल्यू में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती भैया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, मतलब वेक्टर v1 जो है क्रॉस वेक्टर v2 जो है ये किसके बराबर होगा, v2 क्रॉस v1 की नहीं होगा, ये माइनस ऑफ v2 क्रॉस v1 होगा। मतलब इसका क्या है कि जो v1 क्रॉस v2 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन v2 क्रॉस v1 के अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा खाली डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे v क्रॉस r नहीं होगा, यहाँ पे r क्रॉस v होगा, v क्रॉस r उसका अपोजिट डायरेक्शन में दिखाता, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो r क्रॉस m इंटू r क्रॉस v और ये कंजर्व्ड होता है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी थी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी ये, इसको ये जो वैल्यू है ये आप मैं ऐसे रख देता हूँ, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए या नोट कर लीजिए, एक बार यहाँ पे पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सारे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको एक जगह पे समराइज हो गया है। यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ जिससे अंतर आपको समझ में आए कि ये ठीक है वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट्स, ठीक ये फिर से हम पिछले वाले में अपने चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। मतलब कि क्या हुआ इसका कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसपे मतलब सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि एक सेंट्रल फोर्स है ऑब्जेक्ट बी जो है, मतलब अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे जो बॉडी है वो बॉडी ए है और वो यहाँ पे जो बॉडी है यहाँ पे ए जो है वो ये जो बॉडी है बी, बी पे एक फोर्स लगा रही है, ठीक है बी बॉडी मान लीजिए एक सर्कल है जहाँ मोशन कर रहा है, अब ए वाला बी पे फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, अब मान लीजिए बी जो है वो बी वेलोसिटी से, बी वाला जो है वेलोसिटी बी से ऐसे मोशन कर रहा है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है
कि पर यूनिट टाइम ये जितना एरिया स्वीप करेगा, मतलब जितना एरिया कवर करेगी ये बॉडी, ये एरिया कैसे कवर करेगी, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लाइन है ना, इसका रेडियस वाली लाइन है, वो जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का कवर करेगी, मान लीजिए टी टाइम के बाद यहाँ पे टी इक्वल जीरो था, यहाँ पे और यहाँ पे टी इक्वल्स मान लीजिए 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड यहाँ पे 0 सेकेंड था किसी के स्टैंडर्ड टाइम से, यहाँ पे 2 सेकेंड आ गया और ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब इतने बाद में ये देखिए पूरा इतना एरिया इसने कवर किया यहाँ तक, ये एरिया कवर्ड इसे बोलेंगे, ये इतना एरिया कवर किया तो ये 2 सेकेंड में किया। अब मान लीजिए फिर अगले 2 सेकेंड में टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 4 में यहाँ पे आ गया, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। अब इसने एरिया इसमें क्या कवर किया, इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे, ये एरिया कवर किया, ठीक। तो इसका एरियल वेलोसिटी होने कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, ए ये बॉडी बी थी, ये पोजीशन हम मान लेते हैं पी थी, ये पोजीशन उसकी क्यू थी और ये पोजीशन आर थी, ठीक है। तो जो एरिया है यानी जो एरिया एरिया क्या ए, ये ए तो कांस्टेंट है, ए पी टी नहीं ए पी टी नहीं ए पी क्यू, जो ए पी क्यू जो एरिया है अपॉन टाइम टेकिंग यानी 2 सेकेंड यानी 2 माइनस 0, ठीक, इतना टाइम तो लिया कि 2 पे यहाँ पहुँच गया, 0 पे स्टार्ट हुआ था, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे एरिया ए क्यू आर, ए क्यू आर ये जो एरिया ये जो मतलब ये रीजन जो है ए क्यू आर जो पॉइंट से जो रीजन कवर हो रहा है वो एरिया अपॉन 4 माइनस, ये कौन सी मतलब बराबर होंगे, मतलब कि जितना एरिया एक यूनिट टाइम में यहाँ पे करेगा उतने टाइम में वो एरिया कांस्टेंट रहेगी। ये नहीं कि अभी 2 सेकेंड में यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो रहा था, फिर आगे चल के 2 सेकेंड में ही 3 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर होगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर 2 सेकेंड में 10 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर दिया तो हर अगले 2 सेकेंड में वो 10 मीटर स्क्वायर का एरिया ही कवर करेगी, मतलब जो एरियल वेलोसिटी है कितना मीटर पर स्क्वायर पर मीट कितना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यानी 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या 20 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो भी एरिया वो कवर कर रही है वो एरिया की वेलोसिटी यानी एरियल वेलोसिटी यानी एरिया कवर करने की जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगी। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी क्या होगी, एरिया कवर्ड, कितना एरिया कवर्ड हुआ, ये इसको आप अगर और स्पेसिफिक टर्म में लिखें तो इसको जो यूज होता है इसको लिखते हैं एरिया स्वेप्ट, कितना एरिया स्वीप किया, एरिया स्वेप्ट अपॉन टाइम टेकर। ये कॉन्सेप्ट हमें आगे भी काम आने वाला है, केपलर्स लॉ जो हम पढ़ेंगे कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है। तो एक सर्कुलर वो जो ये एक सेंट्रल फोर्स होता है इसके एक प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक प्रॉपर्टी और क्या होती है कि जो एरिया स्वीप करता है इसमें जो ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लग रहा है वो जो एरिया कवर करता है पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द मोशन, जब तक मोशन होता रहेगा तब तक एरियल वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सेंट्रल फोर्स के बारे में क्या होता है कहाँ कहाँ होता है उसके एग्जाम्पल्स पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, तो ये सारी फोर्सेस जो सेंट्रल फोर्स को वाले लॉ को फॉलो करती हैं उनको पढ़ा हमने उनके बारे में और फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अगले क्लास में हम केपलर्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, जो केपलर जॉनस केपलर जो थे जिन्होंने कुछ लॉज दिए थे प्लानिटरी मोशंस के लिए कि प्लैनेट्स कैसे मोशन करते हैं उनको रिलेटेड उनको स्टडी करने के लिए। ये ध्यान रखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए लॉज की वजह से कोई चीज़ नहीं होती, आप ये कहना बिल्कुल गलत है कि मतलब हम कहते हैं कि हमने इस पर फोर्स लगाया तो हमारे ऊपर फोर्स क्यों लगा रहा है, तो आप ये अगर कहें कि क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ही कहता है, बिल्कुल नहीं, न्यूटन के थर्ड लॉ में न्यूटन ऐसा क्या कह दिए कि ये कोई फिनोमेना होने लगा, फिनोमेना को स्टडी करने के लिए लॉज बनते हैं, लॉज की वजह से कोई चीज़ नहीं होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये पेन है ये जो मार्कर है इसकी शेडो इस पर पड़ रही है, तो जो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का जो लॉ होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से, जैसे यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे मान लीजिए हमारा मार्कर है इतने साइज का और यहाँ पे इसकी लाइट आ रही है, ठीक है, ये जो सन की हाइट है और यहाँ पे इसकी शेडो इतनी दूर पड़ के एरिए यहाँ पे शेडो इसकी पड़ रही है, ये मार्कर है हमारा ए टू बी और ए से बी डैश में हमारी उसकी जो शेडो पड़ रही है और ये उसका मान लीजिए एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन, आप टैन लगा करके इससे इसकी हाइट बता सकते हैं।
तो आप ये नहीं कह सकते, जैसे मैंने पूछा कि इसकी शेडो इतनी लंबी क्यों है, तो उसका आप ये बता सकते हैं सिंपल कि यहाँ पे जो एरिया जो उसका लाइट का जो हाइट है वो इस एंगल से पड़ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, शेडो इतनी लंबी बन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि टैन थीटा यहाँ पे जो है वो टैन थीटा की वैल्यू या समथिंग वैल्यू है, इसके वजह से इतना वैल्यू हो रहा है। मतलब जो लॉज बनाए जाते हैं, जो कुछ रूल्स बनाए जाते हैं फिजिक्स में, वो फिनोमेना को स्टडी के लिए करने के लिए होते हैं। तो नेचुरल फिनोमेना को, जो प्लानिटरी मोशन होता है, प्लैनेट्स हमारे मोशन करते हैं सन के चारों ओर, उनको स्टडी करने के लिए केपलर ने कुछ लॉज दिए थे, 3 लॉज थे, उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।